हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष और आज हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू रेनो क्विड 2021 के बारे में। अभी यहाँ पे एक क्विड का RXL वेरिएंट देख रहे हैं जो कि इसका सेकंड बेस्ट वेरिएंट है। टोटल 6 वेरिएंट्स में आती है रेनो क्विड, स्टैंडर्ड, RXE, RXL, RXT, RXT ऑप्शनल और क्लाइंबर। और इसका एक्स शोरूम प्राइस की बात की जाए तो 3,12,000 से स्टार्ट होती है और जो इसका टॉप एंड वेरिएंट है 5,31,000 एक्स शोरूम जाता है। अभी यहाँ पे जो वेरिएंट देख रहे हैं RXL वेरिएंट, इसके अगर एक्स शोरूम प्राइस की बात की जाए तो 4,12,000 इसका एक्स शोरूम प्राइस है और ऑन रोड लखनऊ की बात की जाए तो 4,79,000 ऑन रोड लखनऊ पर जाता है। ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों ही ट्रांसमिशन आपको मिलते हैं। इसमें दो इंजन ऑफर किए जाते हैं, 800 cc और 1000 cc। 800 cc में आपको 55 bhp की पावर मिलती है और 72 Nm का टॉर्क मिलता है और ऐसी कुछ आपको की मिल जाती है जिसमें लॉक अनलॉक के बटन मिल जाते हैं। पीछे रेनो की बैजिंग दी गई और इसमें लगभग आपको 20 की माइलेज मिल जाती है रेनो क्विड में और अपने सेगमेंट की बेहतरीन कार है। और कंपटीशन की बात की जाए तो मारुति की ऑल्टो से ये कॉम्पीट करती है और फ्रंट प्रोफाइल आप देख रहे होंगे गाड़ी का आपको काफ़ी बेहतरीन मिलता है एंड ऊपर से आप गाड़ी को देख रहे होंगे काफ़ी आपको बढ़िया फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ऊपर एंटीना दिया गया है, रूफ रेल्स दी गई हैं और फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी बेहतरीन है गाड़ी का। इसमें अगर आप 1000 cc का इंजन लेते हैं तभी आपको इसमें ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे रेनो की बैजिंग दी गई है और ऐसी कुछ आपको ग्रिल मिल जाती है, ब्लैक फिनिश है पूरी एंड यहाँ पे आपको क्रोम जो दिया गया है ये एसेसरीज़ का पार्ट है, ये आपको स्टॉक गाड़ी में नहीं मिलता है। एंड इस यूनिट की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ऊपर जो है इंडिकेटर्स मिल जाते हैं एंड DRS दिए गए हैं, यहाँ पे नीचे हेलोजन सेटअप आपको मिल जाता है और जितना भी क्रोम आप देख रहे हैं ये एसेसरीज़ का पार्ट है। और फ्रंट प्रोफाइल आप देख रहे हो गाड़ी का काफ़ी बेहतरीन आपको ऑफर किया गया है रेनो की तरफ से। नीचे ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो 184 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है और ऐसी कुछ आपको रेडिएटर ग्रिल दी गई है सामने की तरफ ब्लैक फिनिश में और नीचे आपको बम्पर में भी काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन मिल जाते हैं। यहाँ पे टोइंग हुक दिया गया है। व्हील बेस की बात की जाए तो 2422 mm आपको व्हील बेस मिल जाता है। यहाँ क्रोम जो देख रहे हैं ये भी आपको एसेसरीज़ का पार्ट दिया गया है। यहाँ पे टर्निंग रेडियस की बात की जाए तो 4.9 meters आपको टर्निंग रेडियस मिल जाती है। ऊपर यहाँ आपको सिंगल वाइपर मिल जाता है वॉशर के साथ में। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 14 inch के स्टीलिम्स मिल जाते हैं व्हील कवर के साथ में। टायर साइज़ की बात की जाए तो 165/17R14 का आपको टायर साइज़ मिलता है। ऐसा कुछ सस्पेंशन का ट्रेवल आपको इतना कुछ मिल जाता है और टायर के ऊपर आपको डोर क्लैडिंग पूरा ये क्लैडिंग मिल जाती है जिससे कि जो है गाड़ी काफ़ी सेफ रहती है। और यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं फेंडर पे और ऐसे कुछ आपको ओआरवी मिल जाते हैं। ये क्रोम जो देख रहे हैं ये भी एसेसरीज़ का पार्ट है। मैनुअल एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ओआरवी मिलते हैं आपको। गाड़ी के लेंथ की बात की जाए तो 3.7 meters आपको टोटल मिलती है और गाड़ी की हाइट जो है वो 1.4 meters है। गाड़ी की विथ की बात की जाए तो 1.5 meters यहाँ पे आपको डोर क्लैडिंग मिल जाती है नीचे की तरफ तो स्पेस काफ़ी ठीक ठाक मिल जाता है आपको रेनो क्विड में। अभी अभी गाड़ी का साइड प्रोफाइल देख रहे हैं, पीछे से साइड से भी काफ़ी बेहतरीन लगती है गाड़ी। और रियर प्रोफाइल आप देख रहे होंगे, गाड़ी का रियर प्रोफाइल भी आपको आगे की तरफ बेहतरीन दिया गया है पीछे भी। एंड ऊपर की बात की जाए तो ऊपर आपको रूफ रेल्स दी गई हैं और एंटीना मिल जाता है एंड यहाँ पे पीछे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लाइट दी गई है। यहाँ पे रेनो की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है, क्विड की बैजिंग दी गई है और नीचे आपको रेनो की यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है और आपको ऐसे कुछ हेलोजन टेल लैंप्स मिल जाते हैं। क्रोम ये एसेसरीज़ का पार्ट इसमें लगा हुआ है एंड नीचे की बात की जाए तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं और ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी बेहतरीन है गाड़ी का, 184 mm आपको मिल जाता है। यहाँ पे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं एंड अब चलते हैं बूट देखते हैं गाड़ी का कितना क्या आपको ऑफर किया जाता है। तो की से आप बूट को ओपन कर सकते हैं या तो आगे से भी आपको बटन मिल जाता है। तो रेनो क्विड में आपको 279 liters का आपको बूट स्पेस मिल जाता है, ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। आपको यहाँ पे एक बढ़िया स्पेस ऑफर किया गया है। नीचे आपको स्टीलिंग मिल जाता है टूल किट के साथ में। तो ऐसा कुछ आपको पूरा बूट स्पेस ऑफर किया गया है। इस वाले वेरिएंट में आपको पार्सल ट्रे नहीं मिलती है एंड पीछे से आप देख रहे हो गाड़ी को, यहाँ पे फिल्टर मिल जाता है जिसकी कैपेसिटी 28 liters आपको मिलती है। अब चलते हैं पीछे के डोर्स पे, तो पीछे के डोर्स पे आपको दिखाते हैं क्या क्या है। तो ऐसा कुछ आपको पूरा ब्लैक फिनिश में डोर पैनल दिया गया है, कोई डुअल टोन कलर ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पे डोर हैंडल्स मिल जाते हैं ब्लैक फिनिश में। यहाँ लॉक अनलॉक का आपको ये बटन दिया गया है। यह मैनुअल विंडो के लिए आपको कंट्रोल मिल जाता है
एंड रियर कैबिन आप देख रहे होंगे काफ़ी बढ़िया आपको ऑफर किया गया है। चलिए अंदर बैठते हैं, अंदर से दिखाते हैं स्पेस। तो लेग रूम देख रहे होंगे आपको ठीक ठाक मिल जाता है रेनोक्विड में, इतना कुछ स्पेस बच जाता है। यहाँ पे आपको कोई एसी वेंट्स वगैरह नहीं दिए गए हैं एंड पूरा ब्लैक फिनिश में पूरा इंटीरियर दिया गया है। पीछे पार्सल ट्रे नहीं दी गई है, दो हेडरेस्ट मिल जाते हैं जो कि फिक्स्ड हैं। और इधर आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, इधर भी आपको ग्रैब हैंडल दिया गया है एंड पीछे से ऐसा दिखता है डैशबोर्ड। अपने सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन डैशबोर्ड दिया गया है इसमें। बिल्ड क्वालिटी भी आपको काफ़ी बेहतरीन मिल जाती है। चलिए आगे के डोर्स पे चलते हैं, आगे के डोर्स पे दिखाते हैं सारे फीचर्स। आगे का डोर भी आपको पूरा ब्लैक फिनिश में दिया गया है। यहाँ पे आपको डोर हैंडल्स मिल जाते हैं ब्लैक फिनिश में। यहाँ पे मैनुअल ORVM के रिलेटेड कंट्रोल दिए गए हैं। नीचे आपको बॉटल होल्डर और यहाँ पे और कुछ स्पेस दी गई है एंड फ्रंट कैबिन आप देख रहे होंगे क्विड का। यहाँ पे फैब्रिक अपॉस्ट्री आपको मिलती है, अभी कवर चढ़े हुए हैं गाड़ी में, यहाँ से आप सीट को रिक्लाइन कर सकते हैं। यहाँ पे फ्यूल लिड ओपनर मिल जाता है, बूट खोलने का बटन आपको नीचे दिया गया है। फ्रंट डैशबोर्ड आपको ऐसा कुछ मिल जाता है क्विड में जो कि पूरा ब्लैक फिनिश में दिया गया है। राउंड शेप में आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन लगते हैं। चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं, अंदर से दिखाते हैं पूरा इंटीरियर। तो रेनो क्विड में RXL वेरिएंट का पूरा इंटीरियर आप देख रहे हैं जो कि ब्लैक फिनिश में दिया गया है। अपने सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी बढ़िया आपको इंटीरियर मिल जाता है। चलिए गाड़ी को ऑन करते हैं, दिखाते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। फिजिकल की आपको मिलती है एंड जिसको ऑन करते ही आपको पूरा ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जो कि ऑन होने पर ऐसा दिखता है, जो कि फुली डिजिटल है। स्पीडोमीटर टैगोमीटर आपको डिजिटल मिल जाता है, बीच में MID दी गई, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, सारी चेकलाइट दी गई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एंड ऐसा कुछ आपको पूरा स्टेयरिंग मिल जाता है राउंड शेप में। यहाँ से आप हॉर्न को बजा सकते हैं, यहाँ पे रेनो की बैजिंग मिल जाती है आपको और स्टेयरिंग पे कवर चढ़ा हुआ है। यहाँ पे वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल दिए गए हैं, इधर आपको हेडलाइट से रिलेटेड सारे कंट्रोल मिल जाते हैं। अब बात करें सेंटर कंसोल की, तो ऊपर आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं यहाँ पे एंड उसके नीचे आपको सिंगल डिन स्टूडियो मिल जाता है, रेडियो MP3 ब्लूटूथ ऑडियो सारा आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल दिए गए हैं आगे के, यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है आपको। हज़ार लाइट का कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे मैनुअल AC आपको मिल जाता है जिसके सारे कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट नीचे आपको मिल जाता है और यहाँ पे स्पेस काफ़ी दिया गया है, मोबाइल वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। एंड अभी आप ये 5 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन देख रहे हैं, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आता है बट वो 1000 CC इंजन में ही आपको मिलेगा। यहाँ पे मैनुअल हैंडब्रेक मिल जाती है आपको, नीचे भी स्पेस काफ़ी दी गई है। ये क्रोम आप देख रहे हैं, ये भी एसेसरीज का पार्ट है। और ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो ग्लव बॉक्स में भी आपको काफ़ी बढ़िया स्पेस मिल जाता है। इंटीरियर काफ़ी बेहतरीन लगता है रेनो क्विड का। पूरा इंटीरियर आप ब्लैक फिनिश में देख रहे हैं, यहाँ पे क्विड लिखा हुआ आपको मिल जाएगा डैशबोर्ड पे। यहाँ पे नॉर्मल आपको IRV मिल जाता है, इधर आपको वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया गया है और इधर भी आपको कोई वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। विजिबिलिटी भी आप देख रहे होंगे गाड़ी की काफ़ी ठीक ठाक आपको ऑफर की गई है। चलिए अब गाड़ी को ऑफ करते हैं और बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की। तो रेनो क्विड में आपको ABS विद EBD, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट और वह एक एयरबैग आपको मिलता है RXL वेरिएंट में। अगर कलर ऑप्शन की बात की जाए तो इसमें आपको रेड, ब्लू, सिल्वर, ब्रॉन्ज, जंस्कार ब्लू और कूल वाइट काफ़ी कलर्स चॉइसेस आपको मिल जाती हैं। बाकी अभी आप ये जो ग्राफिक्स देख रहे हैं ये एसेसरीज का पार्ट है, आपको स्टॉक गाड़ी में ये सब नहीं लगा हुआ मिलेगा। तो ये थी कुछ ऑल न्यू रेनो क्विड 2021, कैसे लगी आपको कमेंट करके बताएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देगा एंड स्पेशल थैंक्स टू रेनॉल्ट
टेढ़ी पुलिया लखनऊ जिन्होंने मुझे कवर करने का मौका दिया। तो डील एनी रेनो कार्स, विजिट दिस शोरूम, डिस्क्रिप्शन में आपको सारी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएंगी, आप कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए कार्स रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो मैं आशीष मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।